हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्रेंड्स, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, गया था, किया था, लिया था या फिर दिया था आता है, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। मतलब कि अगर हम हिंदी में बात करें तो इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, किया था, लिया था, दिया था आदि। और अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो समझ जाइए वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हैड, फिर थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बातें हैं उनको ध्यान रखना है। जैसे कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, मतलब कि हैड ही है, इसलिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में पहले ही या फिर पहले से ही आता है तो उसके लिए ऑलरेडी लिखा जाएगा, और ऑलरेडी का प्रयोग हैड के तुरंत बाद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सेंटेंस है, मेरा भाई पहले ही पत्र लिख चुका था। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट है मेरा भाई, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर लिख देंगे। उसके बाद में हैड लगाना है, तो फ्रेंड्स हैड लगा दिया गया। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पहले ही आ रहा है, इसके लिए ऑलरेडी लगा देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया गया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, लिख चुका था। लिख चुका था मतलब लिखना, लिखना होता है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिटन लिख दिया गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, पत्र के लिए आ लेटर लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, माई ब्रदर हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह सूर्यास्त तक घर पहुंच चुका था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है वह, वह के ही लगा देंगे। उसके बाद में हैड लगाना है, तो हैड लगा दिया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म पहुँच चुका था, पहुँच चुका था मतलब पहुँचना, पहुँचना होता है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीच्ड लिख दिया गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, सूर्यास्त तक और घर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे घर की इंग्लिश को पहले लिखेंगे, घर के लिए होम लिख दिया गया, अब बचा है सूर्यास्त तक। तो फ्रेंड्स अगर किसी सेंटेंस में तक आ रहा है तो तक के लिए बाई लगाएंगे और उसके बाद में वो टाइम दे देंगे जो टाइम होगा। जैसे कि लिखा है शाम तक, तो इसके लिए बाई इवनिंग लिख देंगे। जैसे आधी रात तक लिखा है तो बाई मिडनाइट लिख देंगे। जैसे कि लिखा है सूर्यास्त तक, तो इसके लिए बाई सनसेट, अगर सूर्योदय तक लिखा है तो उसके लिए बाई सनराइज लिखेंगे। इसी तरह जैसे 10 बजे तक आ रहा है तो बाई 10 o'clock हो जाएगा। जैसे जनवरी तक आ रहा है तो बाई जनवरी लिखेंगे। इसी तरह इन सभी का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सूर्यास्त तक के लिए क्या लिखेंगे, बाई सनसेट। इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही हैड रीच्ड होम बाई सनसेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने 10 बजे से पूर्व अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने, मैंने के लिए आई लगा देंगे। उसके बाद में हैड लगाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैड लगा दिया गया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, समाप्त कर लिया था। तो फ्रेंड्स समाप्त कर लिया था मतलब समाप्त करना, समाप्त करना होता है फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिनिश्ड लिख दिया गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, 10 बजे से पूर्व। उसके बाद में अपना कार्य, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 बजे से पूर्व ये एक समय है, इसको लास्ट में लिखेंगे। अब बचा है अपना कार्य, अपना कार्य के लिए यहाँ पे अपना आ रहा है, तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट है आई और आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना के लिए क्या लिखा जाएगा, माई।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे माई लिख दिया गया। उसके बाद में कार्य, कार्य के लिए वर्क लिख देंगे। अब बचा है 10 बजे से पूर्व, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब सेंटेंस में कोई समय दिया हो उसके बाद में पूर्व या पहले दिया हो तो बिफोर लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में टाइम लिख देंगे। जैसे कि सोमवार से पहले, तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या लिखेंगे, बिफोर मंडे। जैसे कि लिखा है जनवरी से पूर्व, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बिफोर लगाएंगे उसके बाद जनवरी लिख देंगे। जैसे कि लिखा है शाम से पूर्व, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देंगे बिफोर इवनिंग। जैसे कि लिखा है सूर्यास्त से पहले, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले के लिए बिफोर लिखेंगे और सूर्यास्त के लिए सनसेट लिख देंगे। इसी तरह जैसे आ रहा है 10 बजे से पहले, तो इसके लिए बिफोर 10 ओ क्लॉक लिख देंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या आएगा, 10 बजे से पूर्व लिखा है तो क्या लिखेंगे, बिफोर 10 ओ क्लॉक। इस तरह से सेंटेंस हो गया, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 10 ओ क्लॉक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने सोमवार से पहले अपने कपड़े धो लिए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसने, उसने के लिए ही लगा देंगे। उसके बाद में हैड लगाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैड लगा दिया गया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म किसकी लगेगी, धो लिए थे, धो लिए थे मतलब धोना, धोना होता है वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, सोमवार से पहले और अपने कपड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने कपड़े की इंग्लिश को पहले लिखेंगे, क्योंकि सोमवार से पहले ये एक समय है, समय को लास्ट में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, इसलिए अपना के लिए हिज लगा देंगे। उसके बाद में बचा है कपड़े, कपड़े के लिए क्लोथ्स लिख देंगे। अब बचा है सोमवार से पहले, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले के लिए बिफोर लिख देंगे, उसके बाद में सोमवार के लिए मंडे लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही हैड वॉश्ड हिज क्लोथ्स बिफोर मंडे। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे आ रहा है कुछ समय पहले, तो फ्रेंड्स इसके लिए सम टाइम बिफोर लिखेंगे। जैसे आ रहा है कुछ महीने पहले, तो इसके लिए सम मंथ्स बिफोर लिखेंगे, या फिर के अंत तक आ रहा है तो बाई द एंड ऑफ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।